जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जी जजिए जा जी जजिए। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सुकांत राय उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनकी सुरक्षा देने के लिए। और फ्रेंड, इस नेटवर्क मार्केटिंग के आप अपनी ताकत से मत करिए, अपने दिमाग से करिए। आप दिमाग से सोच के इस बिजनेस को करिए तो आने वाले पीढ़ी आपको बहुत ही शानदार जिंदगी जिएंगे। हाँ, इस समय आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे और आप सारे सपना पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड, अपने दिमाग से अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो इस बिजनेस में आप सक्सेस हो पाएंगे। मैं आप लोगों को इसी के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। ये दो दोस्त की है और ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन कर्मठ थे और हार्डवर्क थे। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। और काम ना मिलने के वजह से वो लोगों की जिंदगी बहुत ही गरीबी की हालत में गुजार रहे थे। एक दिन पेपर में एक नौकरी का वैकेंसी देखते हैं और वो वैकेंसी थे वहाँ की मेयर की। तो उस पेपर में से वो जो वैकेंसी का जो नोटिस था, वो नोटिस को काट के उस मेयर के पास पहुँचता है और वहाँ जाके कहते हैं, जो हम आपकी वैकेंसी का, आप जो पेपर में वैकेंसी का वो दिए हैं, इसी को देखते हुए हम आपके पास आए हैं, हमें काम देना चाहिए। तो वो मेयर ये कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को नौकरी दूंगा, तुम लोग कर पाओगे, बहुत मेहनती काम है। वो काम क्या था? पानी भरना। मतलब उसी गांव की एक चोटी पे तालाब था, उस तालाब में से बाल्टी भर के पानी लेके आना है। तो उन दोनों ने ये सोचा, हम तो खाली ही है, जो भी नौकरी मिल रहा है हम उसे ही कर लेंगे। तो उस मेयर ये कहते हैं, अगर तुम एक बाल्टी पानी लाओगे तो उस एक बाल्टी पानी का कीमत 5 रुपये मिलेंगे, मतलब 5 रुपीज मिलेंगे। तो उन्होंने राजी हो जाता है और उनसे एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट करके अगले दिन से काम में लग जाता है। तो पूरे दिन काम करके 4-5 बाल्टी पानी भरता है और उनकी रजिस्टर पे चढ़ा देता है। तो दोनों के पास ऐसे काम करते करते पैसे आने लगा, अच्छा खाने पीने लगा। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने ये कहता है, दोस्त अभी भी परेशानी है। तो दूसरा दोस्त ये कहता है, जब अब नौकरी मिल गया, पैसे आने लगा, अब क्या दिक्कत है? तो वो ये कहता है, जो अभी हमारे अंदर ताकत है, हमारे पैर में जोर है, हम जा रहा है, बाल्टी भर के ला रहा है, तो हमें पैसे मिल रहा है। अगर हम नहीं रहता है तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो दूसरा दोस्त उस बात के जवाब ये देते हैं, जो अभी की सोच, आगे को मत सोच, आगे क्या होगा उसके बारे में मत सोच। तो वो कहता है, मैं आगे के बारे में सोचता हूँ। और दूसरी दोस्त ये कहता है, तो क्या करा जा? तो उसने ये कहता है, जो चलिए हम पाइपलाइन बिछाते हैं। तो दूसरा दोस्त ये कहता है, पाइपलाइन बिछाने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, उस पैसे कौन देगा? उसके पैसे की तरह बाप देगा। देख, तू मेरा दोस्त है और दोस्त रहेगा, लेकिन तेरा ये बकवास काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमें तो बाल्टी भरना है। लेकिन अगले दिन से उसने एक बाल्टी पानी भरता था जिसके उसकी रोजाना खर्चा निकल जा। और इसके दूसरी दोस्त क्या करता था, रोजाना जाता था, 4-5 बाल्टी पानी भरते थे। ऐसे उनके पास पैसे अच्छा आने लगा, गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान बना लेता है। और उससे ये कहता है, देख तेरा पागलपन है, अब देख मेरे पास गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, मकान है, और तू वहाँ की हुआ ही है, लेकिन कोई बात नहीं। उस दोस्त ने ऐसे धीरे धीरे उसकी 5 साल में वो पाइपलाइन बन के तैयार हो जाता है। और उसने क्या करा, ऊपर से पाइपलाइन बिछा के नीचे को लाते हैं और उसके मुंह पे एक नोजल लगा देता है, नोजल खोलता है और पानी बाल्टी भर जाता है। ऐसे करके वो उसकी दूसरी दोस्त जो थे उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। उसके जो दूसरी दोस्त ने जो 5 साल में जो पैसे कमाए थे, उसने 5 महीना में उतना पैसे कमा ली। अब वो काम पे जाए तो भी पैसे मिलेंगे, बीमार रहे तो भी पैसे कमाएंगे, अगर कोई घूमने चला जाता तो भी पैसे कमाएंगे, यानी वो कुछ भी कर ले उसके पास पैसे आते रहेंगे। और उसके दूसरी दोस्त अगर बाल्टी भरेंगे तो ही पैसे मिलेंगे, अगर बीमार पड़ जाता तो पैसे नहीं मिलेंगे, कोई घूमने चले जाते तो भी पैसे नहीं मिलेंगे।
तो दोस्त इसी तरह से अगर आपको काम करना है तो बाल्टी भरने का काम मत करिए, पाइप लाइन बिछाने का काम करिए। अगर आप पाइप लाइन एक बार बिछा के गए तो आपको आने वाली पीढ़ी को अच्छा जिंदगी जीने में कोई नहीं रोक सकते। अगर आप बाल्टी भरते रहेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी भी वही बाल्टी ही भरते रहेंगे। वो आगे को अच्छा एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा खान पीन, अच्छा मकान ये नहीं आप दे पाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ दोस्त, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाइए, जिससे आपको आने वाली पीढ़ी अच्छे जिंदगी जिए। तो फ्रेंड इस वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपनी डायरेक्ट सेलर अपनी सारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और मोटिवेट हो पाए, उन्हें भी आगे को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए उत्साहित हो। और फ्रेंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले घंटी बटन ऑल को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे एक और नया टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय RCM, जय हिंद, जय भारत। RCM के संग जी जा।